हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉम्पटिशन कम्युनिटी माय नेम इज़ दीपिका पटेल एंड आई एम हियर विथ यू ऑल अगेन विथ द न्यू लेक्चर ऑफ बेसिक इंग्लिश बूस्टर डोज सीरीज जैसा कि आप सभी को पता है ये सीरीज हमने चालू की है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए और अब तक हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में काफ़ी सारी चर्चा करी है ठीक है तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक और पार्ट ऑफ स्पीच होगा आज का हमारा टॉपिक है वर्ब ठीक है तो हम चर्चा करने वाले हैं वर्ब के ऊपर हिंदी में इसे हम कहते हैं क्रिया ठीक है तो हमारा टॉपिक यही होगा एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ब चाहे कोई भी सेंटेंस हो ठीक है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो बेसिक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब वर्ब जो है ये क्रिया ठीक है दिस प्लेज अ वाइटल रोल इन सेंटेंस राइट ठीक है सब्जेक्ट सेंटेंस के कॉम्पलिशन के लिए वर्ब का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे क्या होते हैं वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं वर्ब कैसे यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस में हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइजेस भी हम सॉल्व करने वाले हैं जिनसे जो थ्योरी सेक्शन हम पढ़ेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम सीखेंगे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डेफिनेशन की सो द डेफिनेशन ऑफ वर्ब सेज वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट एनी एक्शन फीलिंग और स्टेट ऑफ एनी एक्शन फॉर एग्जांपल वॉक रन टॉक सेट रीड राइट जॉग

होना भी एक काम है इसलिए वो भी एक स्टेट ऑफ एक्शन को डिनोट करेगा राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की कि कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं अगर हम वर्ब को क्लासिफाई करने जाएंगे तो सबसे पहले दो तरीके से क्लासिफिकेशन होगा एक होगा मेन वर्ब और दूसरे होंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है मेन वर्ब क्या होता है मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो एक्चुअली में किसी काम को बता रहा होता है किसी एक्शन को डिनोट कर रहा होता है या आप इसे इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो भी काम होता हुआ आपको दिखाई देता है वो सारे मेन वर्ब के थ्रू दिखाई देते हैं वही अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दीज आर लॉन्ग ये assistant verb की तरह काम करते हैं, जो assist करते हैं हैं जो को क्या करने के लिए किसी भी सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करने के लिए ठीक है प्लस जो आ, क्या बोलना चाहिए टेंस के साथ साथ में sentence में वर्ब के कंप्लीशन को भी ये बता रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब ठीक है तो इसलिए ये वाले वर्पिंग वर्ब यूज होते हैं ठीक अब अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें सो द मेन वर्ब इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू ट्रांजेटिव एंड इन ट्रांटिव हिंदी में इसी को ही हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और इन ट्रांजेटिव को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ ऑल दोज वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट विथ इट टू कंप्लीट इट सेल्फ हर वो क्रिया जिसे अपने साथ एक कर्म की आवश्यकता होती है सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए उन्हें हम कहते हैं सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन्हें अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होते दे आर कंप्लीट बाय इटसेल्फ वी डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट विद इट ठीक है तो ये हो जाते हैं इन वर्ब अकर्मक क्रिया कर्म के बिना इसीलिए अकर्मक कर्म के साथ इसीलिए सकर्मक सा तो सकर्मक एंड अकर्मक दीज आर द टाइप्स ऑफ मेन देन इफ वी टॉक अबाउट दी हेल्पिंग वर्ब वी हैव प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज ठीक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड Auxiliary. क्या क्या होते हैं एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा द, द, देख देख हैं आगे ठीक है तो देखिए तो so, को बता ही दिया द डेफिनेशन वर्ब्स आर वर्ब सिंपली एक्सप्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट अ प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी ठीक है वहां पे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है And के लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है विदाउट ऑब्जेक्ट भी वो वर्ब अपने आप को कम्प्लीट कर सकते हैं अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इन ट्रांजेटिव वर्ब्स ठीक है एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं जो इनके डिफरेंसेस को प्रॉपरली बताता हो देखो ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांजेटिव वर्ब नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज इन पैसिव पैसिव वॉइस एंड वर्ब कैन नॉट बी इन वॉइस देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी हम ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं ठीक है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है सेंटेंसेस आर रिटन इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट ठीक है देखो मैंने अभी आप लोगों को यही चीज बताई लेट मी राइट दैट वंस अगेन किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है राइट ये जो वर्ब है वर्ब वो क्रिया है जो हो रही है ठीक है कोई भी क्रिया अपने आप नहीं हो रही है उसे कोई ना कोई कर रहा है तो किसी भी क्रिया को करने वाला काम को करने वाला द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज दब्जेक्ट सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन इसे हम कह देते हैं ये है कर्ता, राइट right? और उसके बाद में ये जो काम हो रहा है जैसे ये सब्जेक्ट कर रहा है उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट किसी पर पड़ेगा तो वो किस पे पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा देन द ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन रिसीवर ऑफ द एक्शन है ये है कर्म जो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे हम यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देख रहे हैं ठीक है अभी मैंने बात की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की तो एक्टिव वॉइस में वो सारे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं जहां पर हमारे लिए डूअर इंपॉर्टेंट हो काम को करने वाला इंपॉर्टेंट हो ठीक है इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसिस द इम्पोर्टेंस इज गिविंग टू द डूअर और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस राइट बट इन पैसिव वॉइस द इम्पोर्टेंस इज गिविन टू वर्क डन रादर देन द डूअर ऑफ द वर्क मतलब जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज होते हैं इन्हें हिंदी में हम कर्मवाच्य कहते हैं तो कर्म वाच्य के सभी वाक्यों में हमारे लिए काम का होना इंपॉर्टेंट है रादर देन किसने किया जब काम को करने वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम लोग उसको एक्टिव वॉइस में कहते हैं एक्टिव वॉइस का हिंदी कर्त्री वाच्य हो जाता है ठीक है कर्त्री वाच्य एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आर सेट टू बी इन एक्टिव वॉइस वेयर द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड व्हेन द इम्पॉर्टेंस गेट्स शिफ्टन राच्य ठीक है पैसे में. में कर्म यानी कि वर्क डन इज इंपॉर्टेंट एंड वर्क डन इज रिफ्लेक्टेड बाय द रीजन वाई वी पुट दी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ठीक है तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की बात कर लें तो जब हम ट्रांजेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं ट्रांजेटिव वर्ब होगा तभी तो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा तभी तो आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे राइट right? तो इसी वजह से इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में सेंटेंसेस नहीं बनते हैं वॉइस में उन्हीं वर्ब को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जो ट्रांजिटिव हो आई बात समझ आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है तो कोई फ्रेजेस या कॉम्प्लीमेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ईट लव ब्रेक ड्रिंक दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब व्हाइल रीड स्लीप फास्ट स्विम

ट्रांजिटिवली कैसे काम कर सकता है तो मैंने कह दिया मैं लिख रही हूं आई एम प्लेइंग चेस आई एम प्लेइंग चेस तो यहां पे प्लेइंग के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है प्लेइंग व्हाट प्लेइंग चेस तो ये है इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है दिस इज यूज्ड एज ट्रांसिटिव वर्ड ठीक है लेकिन यही चीज अगर मैं बोल दू जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आम प्लेइंग इन द्ले ग्राउंड आई एम प्लेइंग इन द्ले ग्राउंड ठीक है तो यहां पर प्लेइंग वट का आंसर नहीं मिल रहा है स्टिल द सेंटेंस इज कंप्लीट मैं ये कह रही हूं कि मैं प्ले ग्राउंड में खेल रही हूं

इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानोगे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आप क्या करिए वर्ब के साथ या तो वॉट क्वेश्चन करिए या होम क्वेश्चन करिए। या क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर आपको मिलेगा विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब उस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉट या होम क्वेश्चन पे मिलने वाला आंसर होता है राइट right? तो यहां से आप डिसाइड कर पाओगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी या नहीं और अगर ऑब्जेक्ट दिखा मतलब आप समझ जाओगे कि वर्ब कैसा है ट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो आप समझ जाना कि वर्ब कैसा हो जाएगा इनट्रांजिटिव हो जाएगा सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इज क्लियर टू यू ठीक है आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ठीक है अब हम बात करेंगे ठीक है हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले बात की करेंगे अपन ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इंक्लूड्स इज एम आर वाज एंड वेयर देन टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब इंक्लूड्स हैज हैव हैड एंड देन To do form of verb which includes do, does, did and done. So these are all primary auxiliaries, examples of primary auxiliaries. Okay? Primary auxiliaries exist in three different forms. First is to be form of verb which includes is, am, are, was and were. Then to have form of verb which includes has, have and had. एंड देन टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंक्लूड डू डिड एंड डन आगे में देखेंगे कैसे कहाँ यूज करना है इसको आगे देखेंगे मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब्स तो मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब्स क्या होते हैं मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स होते हैं मे माइट कैनकुड विलवुड शाल शुड मास्ट यूज टू एंड ऑट टू ये सारे हैं मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब्स ठीक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये सारे होते हैं ओके चलिए लेट्स मूव ऑन किसको कहा यूज करना है कैसे इनका यूजेज होता है विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड ठीक है हाँ देखो टेबल दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑफ ऑल प्राइमरी ऑग्जिलरीज ठीक है प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्ब अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्ब सेंटेंसेज में चेंज कैसे हो रहे हैं या किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं एक तो सेंटेंस का टेंस कैसा है और दूसरा इस बात पे डिपेंड करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है ठीक है सब्जेक्ट के चेंज होने पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं प्लस सेंटेंस के टेंस के चेंज होने पर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाते हैं ठीक है थीके? तो उसी को ही हम लोग देखेंगे जैसे कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इज 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 यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस इन प्रेजेंट टेंस विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस विद अ सिंगुलर

कर सके ये याद रखिएगा क्योंकि अगर ये आपको याद हो गया देन आप सेंटेंसेस में मिस्टेक्स नहीं करेंगे प्लस ये आपको हेल्प करेंगे sentences में को पहचानने के लिए ठीक है टेंसेज को आप कैसे पहचानोगे उसका एक रेप्लिका होगा ये आगे बढ़ते हैं ठीक है हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की सबसे पहला अगर हम देखें कैन तो कैन एग्जाम्पल जैसे शी कैन स्विम ठीक है कहा यूज किया जाता है तो कैन इज यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन एबिलिटी और पॉसिबिलिटी ठीक है एबिलिटी बताने के लिए कोई क्षमता बतानी हो उसके लिए हम लोग कैन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं नेक्स्ट अगर हम कुड की बात करें जैसे एग्जांपल में मैंने यूज किया है आई कुड गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क ठीक है फिनिश आई कुड गो टू दिनिश माई वर्क ये क्या बता रहा है कुड का यूज हम कब करते हैं वेन वी नीड टू इंडिकेट एनी पासबिलिटी और पॉसिबिलिटी और वी हैव टू मेक एनी पोलाइट रिक्वेस्ट ठीक है or or तो ये यूजेज है फॉर कुड वैसे ही नेक्स्ट हम देखें अगर मे का यूज तो मे इज यूज विथ एन एग्जाम्पल यू मे बोरो माई बुक इंडिकेट्स परमिशन और पॉसिबिलिटी ठीक है ऐसे ही माइट को अगर हम देखें तो माइट एग्जाम्पल ही माइट माइट लेट एंड इज़ यूज़ टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी अब यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है देखो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बोल रहा है और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बोल रहा है मे में भी और माइट में भी जस्ट द डिफरेंस इज दैट माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी देन में थोड़ा संभावना तो बताता है लेकिन माइट से जब हम संभावना बताते हैं उस कंडीशन में जब संभावनाएं बहुत कम हो ठीक है तो उसके रेस्पेक्ट uh, में माइट यूज़ होता है विथ सर्टेन लेस पॉसिबिलिटी ठीक है इसके अलावा इसका एक और यूज होता है जब हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में मे गेट ट्रांसफॉर्म इन

एंड इट शोजेसिटी और इस चीज को बताता है ये वाला है मॉडल ऑग्जिलरी वर्क मास्क देन शैल तो आपको तो पता है शैल हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज कर रहे होते हैं ठीक है शाल वी गो फॉर अब यूज इन क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज करते हैं देने के लिए भी यूज करते हैं सजेशन देने के लिए इसके पास्ट फॉर्म में भी हम लोग यूज करते हैं यू शुड डू योर वर्क रेगुलरली इस तरीके से एडवाइस देना हो तो भी हम यूज करते हैं जैसे शुड है यू शुड ईच योर वेजिटेबल्स मतलब आपको अपने वेजिटेबल्स खा लेने चाहिए इट इज यूज टू इंडिकेट एडवाइस रेकमेंडेशन और एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी से हो रहा है यहाँ पे जो आपका काम है आपको करना चाहिए नेक्स्ट विल देव एट एट ओ क्लॉक एंड इज फ्यूचर टेंस के sentences में will और शैल दोनों का यूज किया जाता है राइट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज वुड वी यूज वुड एज शी ऑफ टी इन देश पोलाइट रिक्वेस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड इवन एज ऑफ एंड शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज हम लोग यूज करते हैं जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हम लोग विल और शैल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वुड में ठीक है उसके अलावा तो आपके पास एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक है नेक्स्ट ठीक है ऑट्टू ऑटू का यूज कहाँ होता है you ought to apologize for your behavior expresses obligation or duty dekho obligation ke liye hum logo ne must be use kiya hum logo ne should be use kiya hum log ought to be use kar rahe hain so what is the difference in the, these uh, all the three examples तीनों में क्या अंतर होता है तो सबसे पहला तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग should की बात करें तो हमें ये बोलते हैं कोई काम आपको करना चाहिए You should do a work. एंड किसी काम को करना बहुत जरूरी है तो फिर हो जाएगा यू मस्ट डू अ वर्क काम करना बहुत जरूरी है और ये जो ऑटो है ऑटू का जो यूज होता है वो आप किसी चीज को करना ऑब्लिगेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पे कर्तव्य है फर्ज है करना है आपको आपकी जिम्मेदारी है सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर्तव्य या फर्ज ऐसी चीजों को बताने के लिए हम यूज करते हैं ऑटो को राइट ऑट टू एग्जांपल ठीक है चले आगे बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है जो हम लोग अलग अलग टेंसेस के हिसाब से सेंटेंसेस में यूज करते हैं ठीक है तो देख लेते हैं कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं ठीक है सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम वी वन के नाम से जानते हैं देन पास फॉर्म ऑफ वर्ब वी टू देन पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब वी थ्री देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब वी फोर इसे ही हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और ये बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एनजी एड करने पर यही कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है एंड देन प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म जिसे हम वी फाइव के नाम से जानते हैं जो कि बनता है वी वन में एस ई e एस जोड़ने पर और ये यूज होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर यूज हो रहा हो ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा यूज होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूज करते हैं कि जैसे मैं कह रही हूं he, he ही ही प्लेज इन गार्डन बट यही अगर दे लिखा हो तो हम बोल देते हैं दे प्ले इन द गार्डन ठीक है ही गोज टू मार्केट दे गो टू मार्केट तो यहाँ पे देखो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस फॉर्म यूज हो रहा है और जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा होता है ठीक है तो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं डिपेंड्स की सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है सो वी यूज वी वन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज वी फाइव फॉर्म ऑफ दी वर्ब विद इट ठीक है तो ये तो हुए क्या क्या नाम है इनके देखिए हर एक चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है प्लीज इसको मेंटेन करके चलिए अगर आप अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीजी व्यापम या सीजी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप ऐसा पाएंगे कि अब व्यापम अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज कर रहा है अब केवल एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जा रहे हैं थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी बराबर पूछे जा रहे हैं तो आपको हर तरह से अपने आप को तैयार करना है ठीक है अगर आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेंगे अभी रिसेंटली मैं देख रही थी महिला पर्यवेक्षक भर्ती दो के क्वेश्चन को तो उसमें जितने एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं पूछा है उससे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन पूछा है थ्योरी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया है कि क्या पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब में टू बी फॉर्म ऑफ वर्क किस रूप में चेंज होगा ये पूछ दिया है कि कंटिन्यूस टेंस में वर्ब के साथ कौन सा सफिक्स आप यूज करते हैं ये पूछ दिया है आपसे ठीक है आपसे इवन ये भी पूछा है कि इसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म क्या होता है ठीक है तो थ्योरी सेक्शन को भी अब इम्पोर्टेंस मिल रही है सो प्लीज डू नॉट मिस एनी थ्योरी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस ठीक है थ्योरी आपको नहीं मिस करनी है एक्सरसाइजेस तो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करने ही करने हैं there is no excuse to that but you have to focus on the theory section also kyunki ab questions aise hi aane lage hain right chalo aage badhte badh jate hain theek hai now we have a table that will reflect some verb in all the five forms तो इसका भी आप screenshot ले सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि जैसे read, रेड रेड reading and reads get got got getting and gets go went gone going and goes तो इस तरीके से जितने भी वर्ब आपको मिलते हैं आप उनके पांचों फॉर्म्स को देख सकते हैं ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब की अभी तक जितने भी बात हमने की वर्ब के रेस्पेक्ट में चाहे हमने ट्रांजिटिव वर्ब बोला इन ट्रांजिटिव वर्ब बोला या हमने हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी बोले या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोले ठीक है ये सारे के सारे टाइप हैं फाइनाइट वर्ब के फाइनाइट वर्ब के अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉन फाइनाइट ठीक है जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तब आप खुद बता पाएंगे कि ये नॉन फाइनाइट क्यों है ठीक है आगे पढ़ लेते हैं एक बार नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म इज सेकेंड फॉर्म इज

हॉबी अब पे देखो रीड का बना है आई एन जी फॉर्म रीडिंग रीड का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म बना है आई एन जी इज रीडिंग रीडिंग बिकेम माई फेवरेट हॉबी रीडिंग मेरी फेवरेट हॉबी बन चुकी है तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्ब ये है बिकेम जबकि ये वर्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखने वाला सेंटेंस में वर्ब नहीं है ठीक है कैसे समझ रहे हो समझना कैसे आपको समझना ऐसे है आपको कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है और बात किसके कर रहे हो क्या यहाँ पे सेंटेंस देखो अगर आप रीड एज एन वर्ब ट्रीट करोगे तो क्या यहाँ पे बुक रीड करने की बात हो रही है कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ रीडिंग क्या कोई रीड करता हुआ दिखाई दे रहा है नो नॉट एट ऑल अगर मैं यही चीज कहती कि आई एम रीडिंग अ बुक आई एम रीडिंग बुक तो इस जगह में ये पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे आपको ये काम होता हुआ दिख रहा है ठीक है रीडिंग का काम होता हुआ दिख रहा है लेकिन यहाँ हम रीडिंग काम की बात नहीं कर रहे हैं हम उस काम का नाम ले रहे हैं कि पढ़ना मेरी एक फेवरेट हॉबी बन गई है समझ में आना देन स्विमिंग हेल्प मी अनवाइंड स्विम से बना है स्विमिंग अब यहाँ पर भी स्विमिंग करने की बात नहीं हो रही है वी आर नॉट से आई एम स्विमिंग और शी इज स्विमिंग हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्विमिंग हेल्प्स मी आन वाइंड यहाँ पे ये यह जो वर्ड लिखा है ये वर्ब है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है हम नाम ले रहे हैं तो देखो वर्ब का आई फॉर्म आई फॉर्म ऑफ वर्ब वेन इन एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एज जेरेंट काम कर रहा है ठीक है नाउ वी टॉक अबाउट पार्टिसिपल वार्टिसिपल पार्टिसिपल इज दर्ट इज यूज एज एन एजेक्टिव ठीक है अभी देखो जेरन क्या था वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि किसी सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा था पार्टिसिपल क्या है जस्ट वेट हाँ पार्टिसिपल क्या है पार्टिसिपल है पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन से हैं पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि

टूट चुका ग्लास जो ग्लास टूट चुका है ठीक है तो ब्रोकन ग्लास जो टूट चुका है तो यहाँ पे ये यह जो ब्रोकन है वर्ब की तरह नहीं इस ग्लास को क्वालिफाई कर रहा है कि ग्लास कैसा है टूटा हुआ है आई फोगोट माई रनिंग शूज यहाँ पे देखो शूज है नाउ ठीक है कौन से शूज वो शूज जो मैं रन करने के लिए यूज करती हूँ रनिंग शूज द शूज आई यूज वाइल आई रन

टू के साथ किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जब ये किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम करे या आफ्टर सनसेट मीनिंगलेस अब यहाँ पे टू रीच रीच वर्ब जैसा दिख रहा है लेकिन टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं कर रहा है ये किसका काम कर रहा है ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का क्योंकि वर्ब तो यहाँ पर ये है फेल्ट है felt is the verb, felt verb है ना ठीक है अब यहाँ पे देखो ऑल बी वॉन्टेड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉट इज गोइंग ऑन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ओके टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ठीक है टू रेस्ट यहाँ पे ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जबकि वर्ब क्या है

आई वुड लाइक टू ईट समू के साथ वर्ग का फर्स्ट फॉर्म दैट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ देंटेंस तो समझ में आ रहा है आपको इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ग विच इज यूज विथ अपोजिशन टू एंड विच एक्ट एज ई दब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ देंटेंस ठीक है तो देखो इन तीनों एग्जाम्पल्स के बाद आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई जैर क्या है आई एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिंग एज ए नाउ पार्टिसिपल क्या है ई ई एन डी और इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस So, हमें यहाँ पे मिल गया कि वर्ब इन तीनों जगहों पे वर्ब वर्ब होकर के भी वर्ब नहीं है कुछ ना कुछ दूसरे काम कर रहे हैं कोई नाउन का काम कर रहे हैं तो कभी का काम कर रहे हैं तो कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहे है। तो इसी वजह से इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं दिखते तो वर्ब के जैसे ही हैं बट एक्चुअल में वर्ब का काम नहीं कर रहे होते ठीक है थीके? तो जब भी कभी कोई शब्द आपको सेंटेंस में दिखे तो उसको उसकी काम से जानना नाम से नहीं दिखने में ये तो बिल्कुल नाम ले रखे हैं वर्ब का वर्ब का नाम ले रखे हैं लेकिन एक्चुअली ये काम क्या कर रहे हैं सेंटेंस में इज ठीक है तो नाम को देखो काम को नहीं समझ में आ रही है बात तो देखो सो ऑल दीज वर टाइप्स ऑफ वर्ब द फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड देयर यूजेज किसको कहा किस तरीके से यूज करते हैं एवरी एग्जाम्पल यू कैन सी यू कैन नोटेड न्यूज ऑफ योर ओन आप अपने हिसाब से अपने तरीके से नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं बिल्कुल इन्हीं फॉर्मैट्स पे ठीक है ये याद रखते हुए जो कंसेप्ट हमने सिखाए हैं ठीक है आगे देखते हैं कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं लेटर सी विथ सम एग्जाम्पल ठीक है लेटर सॉल्व सम अभी आप लोगों को बताया ये वर्ग का फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ग का फिफ्थ फॉर्म है तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा यूज हो रहा है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर एंड अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो यूज होने वाला वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा ठीक है तो हम यहाँ पे अगर सेंटेंस में देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारा है रीटा. रीटा कैसी है रीटा तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्क अ माइल एवरी डे ठीक है समझ में आ रहा है कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ठीक the है देन द डॉग्स डैश ऑल नाइट ऑप्शन है देख लो सब्जेक्ट है द डॉग्स एस ई एस लगा है दैट दैट डॉग्स इज प्लूरल फॉर्म तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब डज नॉट टेक एस विद इट तो क्या हो जाएगा बार्क हो जाएगा द डॉग्स बार्क ऑल नाइट नाउन में जब हम लोग S, e, I, e, S लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है लेकिन जब वर्ब में हम एस e, लगाते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है ये कंसेप्ट याद रखेंगे नाउन और वर्ब के साथ उल्टा उल्टा होता है देन द कैट डैश द स्नेक कैच या कॉट ठीक है तो देखो सबसे पहली चीज द कैट बोल रहा है जो कि सिंगुलर है ठीक तो है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते तो हमारे पास में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की जरूरत होती जबकि ऑप्शन में हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा जहां पे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे और ये पूरा का पूरा सेंटेंस चला जाएगा आपका पास्ट इनडेफिनेट टेंस में द कैट कॉट द स्नेक अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो क्या लिखते हैं अपन हम लिखते द कैट कैचेस द स्नेक कैचेस लिखते बट कैचेस ऑप्शन ही नहीं है अपने पास ठीक है तो कॉट ऑप्शन सही है पास इंडेफिनिट टेंस में देन वी डैश इन द पार्क इन द इवनिंग्स प्ले और प्लेज अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है वी वी होता है प्लूरल प्लूरल के लिए लगाओगे प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ब इज प्ले सिंगुलर होता तब हम लिखते प्लेज

अब देखो यहाँ पे शीला की बात हो रही है जो कि सब्जेक्ट है और कैसी है सिंगुलर है तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए सो वी विल राइट शीला वॉन्ट्स टू बी अपलिस ऑफिसर शी अप देन महेश डैश बैक टू हिज मदर महेश रैन बैक टू हिज मदर सब्जेक्ट सो वी विल यूज अंगुलर वर्ग सिंगुलर वर्ग मीन्स वॉक्स एम ई वॉक्स वेरी फास्ट देन यू कैन डैश विथ अस कम एंड के तो यहाँ क्या हो जाएगा यू कैन कम जनरली जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनके साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है ठीक है? कुछ special conditions हो सकते हैं that is different thing. But in general, जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं तो वी जनरली यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट राइट कम फर्स्ट फॉर्म इज कम डैश टू टुगेदर ठीक है They went to a picnic together. अगर प्रेजेंट फॉर्म में होता तो हम कह देते दे आर गोइंग ठीक है लेकिन ये सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट हो सकता है ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन आगे बढ़ेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट साइड ऑफ क्वेश्चन सेज अब यहां पर भी आपको सेम करना है ऑप्शंस देखना है और आंसर लगाना है Have you dashed the baby? Has, have, had, has, have had हमेशा perfect tense में use होते हैं perfect tense के सारे sentences में verb अपने third form में use होता है तो verb अपने third form में use होगा first form में नहीं has, have had perfect tenses में use होते हैं और उनके साथ verb का third form ही लगता है देन dash डैश सो वेल Montana एक का नाम है तो नाम है तो यहाँ पे सिंग्स होना चाहिए था अगर ये प्रेजेंट में होता ठीक है तो यहाँ पे संग होना चाहिए द बर्ड डैश अवे फ्रॉम द केज ठीक है द बर्ड flew अवे फ्रॉम द केज ठीक है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा तो उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हैड तीनों में से यूज होता बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा आई डैश अ लेटर फॉर माई फ्रेंड राइट और रोट आई राइट अ लेटर फॉर माई फ्रेंड आई रोट अ लेटर फॉर माई फ्रेंड क्या होना चाहिए आई राइट A letter for my friend. The friends dash back from the trip. The friends plural verb drive, drove, driven. Okay? So the friends drive back from the trip. Did you dash anything? Did you do anything? They dash till late evening. प्लेज लेट इवनिंग देखो प्लेज नहीं होना चाहिए प्लेड होना चाहिए प्ले अगर present form में होता तो ये एस नहीं लगा हुआ होता ठीक है देन कैन यू डैश वेल कैन यू स्विम वेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चीताज डैश वेरी फास्ट प्लूरल चीताज रन वेरी फास्ट माई ब्रदर एंड आई एंड के साथ दो सब्जेक्ट इट बिकेम्स इट बिकम्स अ प्लूरल सब्जेक्ट तो माई ब्रदर एंड आई टॉक एवरी डे प्लूरल सो प्लूरल वर्क विथ इट प्लूरल वर्क आई होप दिसज इज ऑल्सो क्लियर सो नाउ यू विल सी दैट हाउ इजीली वी आर यूजिंग दैट वी है आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्सरसाइजेस देखते हैं ठीक है दिस इज माई टीचर कैन अब देखो ये वाला एक्सरसाइज है जहां आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेक करना है माई टीचर डैश स्पीक फोर लैंग्वेजेस तो यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है तो माई टीचर कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस ठीक है डैश आई शुड मे आई यूज योर मोबाइल टू कॉल माई मदर और शुड आई यूज टू कॉल माई मदर अब देखो यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन मांगने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं सो द आंसर इज मे आई यूज यूर मोबाइल टू कॉल माई मादर देन यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन दी हॉस्पिटल ठीक है यू कुड नॉट स्पीक लाउडली इन दी हॉस्पिटल क्या आप वहां पर बात नहीं कर सकते हैं या देर इज एन ऑप्लीकेशन की आपको वहां बात नहीं करनी चाहिए सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कर तो आप कुछ भी सकते हैं कहीं पर भी चिल्ला तो आप कहीं भी सकते हो तो दिस इज नॉट अबाउट एबिलिटी, दिस इज अबाउट दी ऑब्लिगेशन कि हॉस्पिटल हौस, प्रोमाइस में आपको चुप ही रहना चाहिए ज्यादा शोरगुल नहीं करनी चाहिए ठीक है जरूरी है ये क्योंकि इससे पेशेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं देन आई डैश यूज अटिल हेल्प इन पैकिंग ऑल दीज क्लोथ ठीक है आई कुड यूज अ लिटिल हेल्प इन पैकिंग ऑल दीज क्लोथ्स

आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट टू नाइट आप एक संभावना बता रहे हो नॉट एनी एबिलिटी शेल टू स्टडी मोर इफ यू पास दल मोर इफ यू टू पास दल्डन मस्ट जरूरी है उसको अगर पास करना है तो जरूरी है कि वो पढ़े कैन और मे यू कम टू दोम विद मी ठीक है क्वेश्चन पूछ रहे हो कैन यू कम टू द प्रोम विथ मी ठीक है माय पेरेंट्स शैल और ऑ टू अराइव सून शैल अराइव सून क्योंकि एक फ्यूचर की किसी एक्शन की बात हो रही है आई कुड और मस्ट बी लेट एज आई हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट आई could be late as I have a lot on my plate. I could be late यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है मैं देर हो सकती हूँ ठीक है देर इज अ चांस ऑफ माई गेटिंग लेट सो यहाँ पे क्या हो रहा है एबिलिटी की बात हो रही है इसीलिए हम खुड का यूज कर रहे हैं ठीक है ठीके? समझ में आया है सो so, क्या देखा आप लोगों ने देखा हम आपने कैसे हम लोग वर्ब को यूज करते हैं सेंटेंसेस में तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा पूरा वर्ब कवर किया जिसमें हम लोगों ने पहले फाइनाइट वर्ब की बात की उनके सारे टाइप्स की डिस्कस की किसको कहाँ यूज करते हैं कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए उस पर चर्चा किए एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द इनफाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें कि जेरन पार्टिसिपल इनफिनिटिव तीनों के ही एग्जाम्पल्स हमने देखे और साथ ही साथ देखा कि सेंटेंस में वो कैसे यूज हो रहा है उसके बाद में हम लोगों ने तीन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस सॉल्व किए जिसमें कि हम लोग वर्ब का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में और किस तरीके से कौन सा वर्ब सेंटेंस में यूज होगा ये डिटेक्ट कर रहे हैं ठीक है समझ में आया है सभी को ठीक है कोई भी डाउट हो कैसा भी क्वेश्चन हो जो आपसे अगर नहीं बन रहा हो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और आप सॉल्व कर रहे हो और आपका आपसे नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए बताइए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टाइप कर दीजिए आई विल आंसर टू ईच ऑफ योर क्वेश्चन पर्सनली कि आपको आपके डाउट्स क्लियर करवा के रहेंगे हम ठीक है इस बेसिक इंग्लिश बूस्टर डोज का मकसद ही यही है कि आपके जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि इन्हीं को अप्लाई करते हैं जब हम सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं वेदर इट इज एरर डिटेक्शन वेदर इट इज फ्रेज रिप्लेसमेंट वेदर इट इज सब्सिट्यूशन क्वेश्चंस तो इन सभी जगहों पे जब तक आपको सही यूजेज नहीं पता होगा आप उनके एरर्स नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे और ना ही उनपे आने वाले सही ऑप्शन को आप सही से टिक कर पाएंगे ठीक है तो इसीलिए बेसिक ग्रामर का जो कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट को आपको थरो करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो यही कोशिश है हमारी कि आपके जो बेसिक बेसिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपका थरोली प्रिपेयर होता जाए ठीक है कैसी लगी वीडियो आपको बिल्कुल बताइए कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए हम आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे मिलेंगे अगले लेक्चर सीरीज के साथ में अगले हफ्ते मतलब इसी लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर के साथ में ठीक है नेक्स्ट वीक इसी दिन ठीक है सो प्लीज स्टे ट्यून एंड स्टे कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्टिंग ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच